दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना कब खत्म होगा? क्या सरकार मानेगी या फिर झुकेंगे किसान? ये सवाल पिछले 3.5 महीनों से ज्यादा से देश में गूंज रहा है, जिसका जवाब सरकार तो देने को तैयार नहीं है, लेकिन अन्नदाता जरूर बताते हैं कि वो अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इसीलिए अब वो दिल्ली बॉर्डर पर खेती भी शुरू करने वाले हैं। तो क्या है किसानों का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। दिन बीत गए, महीने गुजर गए, सर्दियां चली गईं, गर्मियों ने दस्तक दे दी, लेकिन जो नहीं बदला वो है किसान आंदोलन। पिछले 100 दिनों से भी ज्यादा समय से अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं। हजारों की संख्या में किसान अपना परिवार छोड़कर आए हैं और पिछले 3.5 महीने से केवल सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही मांग है कि कानूनों को वापस लो सरकार, लेकिन मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यही वजह है कि किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इसीलिए वो अब पूरी तरह से दिल्ली बॉर्डर पर डटने की तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर पक्के मकान निर्माण के बाद अब किसान आंदोलन स्थल के पास खड़ी खाली जगह पर खेती भी करेंगे। इन जगहों पर किसान रोजमर्रा की जरूरत वाले पौधे उगाएंगे। किसान नेताओं ने बताया कि खाली पड़ी जगह पर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसे में अब किसान इस जगह को खेती के लिए इस्तेमाल करेंगे। खेती से होने वाली फसल को आंदोलन में इस्तेमाल करने के साथ ही स्थानीय लोगों के काम भी आ सकेगी। आंदोलन के साथ ही किसान जो काम कर सकता है वो यहाँ किए जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 100 दिन से ज्यादा दिन गुजर जाने के बाद भी किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में किसानों को खाली बैठने की आदत नहीं है, जिसके चलते आंदोलन स्थल पर ही किसान अपने लिए संसाधन जुटाने लगे हैं। सरकार का भरोसा नहीं है कि वो कब बात करेगी। ऐसे में जब लंबे समय तक बॉर्डर पर बैठना है तो पक्के मकान के बाद अब जरूरत के लिए खेती भी यहीं शुरू कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने पंचायत भी की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम पूरे देश में जाएंगे। किसानों का अगला ठिकाना गुजरात होगा। यहाँ एक तरफ किसान बॉर्डर पर लंबे समय तक डटने की तैयारी में है, देश भर में आंदोलन तेज करने की तैयारी है, तो वहीं मोदी सरकार पर कृषि कानून को लेकर पार्टी के अंदर से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी चीन की अकड़ के आगे तो झुक रहे हैं, लेकिन किसानों की मांगों पर नरम नहीं हो रहे। बीजेपी नेताओं के इस बयान से साफ है कि वो भी मोदी सरकार के रुख से खफा हैं। अब देखना होगा कि इस चौतरफा घेराबंदी के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।